हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्यामल और आपका स्वागत है श्यामल्स कुकिंग चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। कढ़ाई पनीर हमने काफी बार होटल से या रेस्टोरेंट में खाई होगी, लेकिन आप इस रेसिपी को घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो और बिल्कुल इसका जो टेक्स्चर और कलर है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे आएगा। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और लजीज बनती है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारी डिटेल जानकारी आपको दी है। तो सबसे पहले अब हम कढ़ाई मसाला देख लेते हैं जो इसके लिए लगता है। तो कढ़ाई मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ खड़े मसाले चाहिए होंगे। तो इन खड़े मसालों में हम सबसे पहले लेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, ये 6 काली मिर्च के दाने, हरी इलायची 1, काली इलायची 1, ये धनिया के बीज और जीरा, इन दोनों को हम 1-1 चम्मच ले लेंगे। इन सारे मसालों को हमें भूनना है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। इस गरम पैन में हम ये सारे खड़े मसाले एक साथ डाल देंगे और इन खड़े मसालों को हमें इनका कलर चेंज होने तक और इनमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने तक इन्हें रोस्ट कर लेना है। इन्हें रोस्ट करते समय फ्लेम को आपको मीडियम पर रखना है, क्योंकि खड़े मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर हरी इलायची और ये जो काली वाली बड़ी इलायची है इसके दाने और छिलका अलग कर सकते हो। हमें इस छिलके को फेंकना नहीं है, इस छिलके को भी हम इसके साथ भून लेंगे और इसे भी ग्राइंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े मसाले भून कर रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छे से इनकी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेती हूँ। बाद में मैं मिक्सी में इसका एक पाउडर बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का पाउडर आपको मिलेगा। अब हम ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से काट लिया है। यहाँ पे ये 7 से 8 लहसुन की कलियां ले लें। ये बड़े साइज का टमाटर है जिसे मैंने काट लिया है और ये 2 छोटे साइज के अनियंस थे जिनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल को गरम कर लिया है। इस गरम ऑयल में हम ये लहसुन की कलियां और अदरक इन दोनों को डालकर हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी अच्छे से भून के हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई प्याज और कटी हुई प्याज को भी हमें बिल्कुल गुलाबी होने तक, सुनहरा होने तक इसे अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, प्याज को जल्दी पकाने के लिए आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल सकते हो या इसे ढक्कन से ढक दो ताकि भाप में ये प्याज बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट बाद ढक्कन खोल के हम चेक कर लेंगे। देखिए, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर। एक बड़े साइज के टमाटर को मैंने काट के रखा था, वो टमाटर हम इसमें मिला देंगे और टमाटर को भी हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। तो टमाटर को भी भूनते समय आप इस पे ढक्कन रख सकते हो ताकि ये जो भूनने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो सके। और फ्रेंड्स, ये जो ग्रेवी या ग्रेवी का मसाला जो मैं बना रही हूँ, इतने मसाले में 2 से 3 लोगों के लिए सब्जी आराम से बन जाती है। तो बस अब चेक कर लेते हैं ढक्कन हटा के। देखिए, टमाटर भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, सारा प्याज और टमाटर अच्छे से गल के रेडी हो चुका है। अब हम ये सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और बाद में हम इसे मिक्सी में पीसने वाले हैं। तो जब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तब हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपका मिक्सी में बना हुआ जो ग्रेवी है, जो पेस्ट है, वो बहुत स्मूथ नहीं बन रहा है तो आपने 1 या 2 चम्मच पानी डाल के इस तरह से इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। आप यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इस तरह से आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो अब हम इस ग्रेवी के लिए लगने वाले कुछ स्पाइसेस देख लेते हैं, कुछ मसाले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये कढ़ाई मसाला लगेगा जो मैंने पहले आपको बताया था इसे कैसे तैयार करना है। तो ये हम पूरा डालने वाले हैं, ये 2 चम्मच है। यहाँ पे ये हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और ये लाल मिर्च पाउडर है ये 1.5 चम्मच ले लेंगे। थोड़ा सा ये स्पाइसी होता है इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हम ग्रेवी में क्या डालने वाले हैं। तो कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो इसलिए पनीर तो लगेगा ही। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर ले लिया है, ये 150 ग्राम पनीर है जिसे मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काटा है। यहाँ पे ये है कुछ शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के इस तरह से आपको चौकोन टुकड़े कर लेने हैं या फिर आपने बड़े टुकड़े किए तो भी चलेगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि इसको चौकोन में ही काटा जाए। ये प्याज ली है, 1 छोटे साइज के प्याज के इस तरह से चौकोन टुकड़े मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पे ये है 3 हरी मिर्चें, इन्हें अंदर से मैंने इस तरह से चीरा लगा दिया है।
तो सबसे पहले अब हम ये अनियन और शिमला मिर्च इन दोनों को थोड़े से ऑयल में कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को गरम कर लिया है। इस पैन में बिल्कुल हम आधा चम्मच तेल डाल देंगे और शिमला मिर्च और प्याज को इसमें डालकर हमें इसे थोड़ा सा कुक कर लेना है। बिल्कुल हल्का हल्का सा हमें इसे सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ये मैशी नहीं होना चाहिए, इसका क्रंच ग्रेवी में अच्छा लगता है। तो बिल्कुल 50% तक हमें इसे कुक कर लेना है। बस अब ये सॉटे हो चुका है, हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और बस 2 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए ये तैयार हो चुका है। मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इस सब्ज़ी की फाइनल प्रोसेस को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें मैंने अभी डाल दी है ये हरी मिर्चें। इन हरी मिर्च को हमें इस ऑयल में अच्छे से कुक कर लेना है ताकि इसका जो भी तीखापन है वो सारा ऑयल में उतर जाना चाहिए। ये जो कढ़ाई पनीर होता है ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है और इस वजह से इसमें मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च इन दोनों का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये पाउडर मसाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। जब भी आप लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऑयल में डालो तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है, क्योंकि ये मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं और इन्हें ऑयल में डालने का बस एक यही कारण है कि इससे जो ग्रेवी का कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे आता है। तो आपने भी बस बिल्कुल ऐसे ही करना है, फ्लेम को लो पर करते हुए इसे कुछ सेकेंड्स के लिए आपने भून लेना है। अब ये हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ मसाला जो अनियन और टमाटो का हमने ग्रेवी बना के रखा था, वो सारा हम इसमें मिला देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अब 2-3 मिनट इसे भूनने के बाद ये जो धनिया पाउडर और जीरा पाउडर था इसको हमने इसमें मिला देना है। यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच लिया था। इन दोनों को डाल के हम बिल्कुल अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 2-3 चम्मच पानी लिया है सेम मिक्सी जार में। इस मिक्सी जार को अच्छे से वॉश करके हम इसमें ये पानी को मिला देंगे और हमें इस ग्रेवी को अब 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना है, या हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल फ्लोट नहीं हो जाता। तो आप इसे कवर कर दें ढक्कन की हेल्प से और इसे कुक कर लें। तो फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में बहुत अच्छे से ऑयल ऊपर फ्लोट हो चुका है और ग्रेवी का कलर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है। तो अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे जो पहले से हमने पका के रखी थी। ये अनियन और शिमला मिर्च को हमने इसमें डाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे ये पनीर के क्यूब्स। यहाँ पर मैं पनीर के क्यूब्स मतलब जैसे है वैसे सिंपली ऐसे ही डाल रही हूँ। ज़्यादातर होटल में इसी तरह से डाल के मिलते हैं, या आप इसे हल्के से ऑयल में अगर आपने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया तो भी चलेगा। बस अब सारी चीज़ों को आपस में मिला देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, इसके लिए इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। 1/2 कप के करीब पानी मैंने इसमें मिला दिया है। अब स्वाद के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे ये नमक और इसे अच्छे से और एक बार हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके ऊपर 2 मिनट के लिए फिर से ढक्कन रख देंगे। 2 मिनट हो जाने के बाद आप देख सकते हो ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छी बनी है। इस तरह की सब्ज़ी आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। और ये जो प्याज और शिमला मिर्च हमने इसमें डाली थी ये भी पूरी तरह से कुक हो चुकी है। एक प्याज का टुकड़ा उठा के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है प्याज, और ये जो पनीर है ये भी सॉफ्ट है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप पनीर किसी भी ग्रेवी में यूज़ करो, पनीर को बहुत ज़्यादा देर तक आपने इस गर्म पानी या गर्म ग्रेवी में पकाना नहीं है, क्योंकि पनीर फिर रबड़ जैसा बन जाता है। तो हमारी सब्जी अब पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। तो अब इस सब्जी को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसे आप गर्मा गर्म रोटी पराठा या फुल्का के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।